करने वाले हैं वो हमारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। पर्सनल केयर के रेंज के पीछे किनका हाथ है, किन की मेहनत है, इनका नाम है डॉक्टर केसी गवर्धन सर। इनके बारे में अगर बात करूं तो हमारा जो होम एंड पर्सनल केयर रेंज है उसके प्रिंसिपल एडवाइस साइंटिफिक एडवाइजर है ये। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, शायद इतना लोगों की इतनी एज भी नहीं होगी जितना सर के पास एक्सपीरियंस है। 45 इयर्स से ज्यादा सर के पास पर्सनल केयर के रेंज का एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान लिवर, पिलसारा, डाबर में एज अ डिपार्टमेंट हेड की डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने वर्क किया है। इन्होंने IIT मुंबई से अपना PhD किया है। और बात करूं तो मल्टीपल जो ये पर्सनल केयर रेंज है उसमें बहुत बड़ा इनका एक्सपीरियंस, और वो सारे एक्सपीरियंस को यूज करके इन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा रेंज निकाला। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करती हूं। आज जो भी आप ट्रेनिंग हमारी पर्सनल केयर के लेने वाले हैं, जिस तरीके से हमारे हेल्थ केयर पे हमारी कंपनी ने काम किया है, हर एक प्रोडक्ट को मार्केट से यूनिक बनाया है, हमारे एक एक पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट को भी मार्केट से यूनिक बनाया गया, तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। हम सबको पता है आवर एलिमेंट वेलनेस ब्रांड, जो हमारा ब्रांड है, उसको बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 से रिकॉग्नाइज किया गया है। मतलब 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और इसी ब्रांड का हमारा ये पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आज हर एक इंसान, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो टीनेजर ही क्यों ना हो, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम अच्छा फील करें। अच्छा फील करने का मतलब है बीमारियों से हम दूर रहे, हम हेल्दी फील करें, हम एनर्जेटिक फील करें। तो और दूसरी चीज हम क्या चाहते हैं, हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अच्छा दिखना नहीं चाहता। हम अच्छा फील भी करना चाहते हैं, प्लस हम अच्छा दिखना भी चाहते हैं। तो फील करने के लिए तो कंपनी के हमने बहुत सारे हेल्थ केयर ब्रांड के प्रोडक्ट देखे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन अब अगर बात करें हम अच्छा दिखने के लिए, उसके लिए भी हमारी कंपनी आपके लिए प्रोडक्ट्स लेकर आई है। ऐसे बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स के साथ साथ पर्सनल केयर के रेंज भी हम लेकर आए हैं। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा लोगों से पूछती हूँ, जब भी आप किसी को देखते हैं तो सबसे पहले क्या चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बहुत गोरे हैं तो ही आप सुंदर माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पर्सन को देखा है जिनकी स्किन उतना कॉम्प्लेक्शन उतना शार्प नहीं है, वो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन अगर स्किन की बात करें तो स्किन का टेक्सचर अच्छा है, उनके बाल अच्छे हैं, उनकी दांतें अच्छी हैं, उनकी स्माइल अच्छी है। तो ये सारी चीजें आपके फर्स्ट इंप्रेशन को एड अप करती है। जैसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, एंड यू नेवर गेट अ सेकंड चांस फॉर योर फर्स्ट इंप्रेशन। आप कभी भी अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बनाने के लिए आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। अब जब भी किसी से मिलते हैं, फर्स्ट के जो स्टार्टिंग के कुछ सेकेंड्स होते हैं ना, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाते हैं। तो अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी स्माइल अच्छी है, तो ये सारी चीजें आपके इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। और माय डियर फ्रेंड, हम एक ऐसे बिजनेस से में जुड़े हैं जहां पे हम हर दिन अलग अलग लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा दिखना अच्छा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए रेंज में हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। अब हम बात करते हैं FMCG के ऊपर। FMCG का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसी चीजें जिसका सेल बहुत ज्यादा है, जो मार्केट में बहुत तेजी से निकल रहा है। FMCG आज फोर्थ लार्जेस्ट सेक्टर बोला जाता है। आपको पता है जो भी अभी हमने हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स देखे ना, उससे बहुत बड़ा मार्केट ये FMCG मार्केट का देखा जाता है। कहते हैं जितना भी सेल है उसका 50% जो मार्केट है वो आपके घर में जो हम चीजें यूज करते हैं, बर्तन धोने का साबुन हो गया, लिक्विड हो गया, डिटर्जेंट हो गया, घर की जो हाउस होल्ड की चीजें, और जो हम अपने पर्सनल बॉडी पे जो चीजें यूज करते हैं पर्सनल केयर की, इसका ही मार्केट 50% देखा जाता है। और इसका जो टर्नओवर है हर साल 3.4 लाख करोड़ का टर्नओवर है। और आपको पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है, ये पूरे टर्नओवर का 45% जो सेल है वो रूरल एरिया से आता है। मतलब ऐसे एरिया गांव से आता है, रूरल एरिया से वो चीजें आती है। मतलब कहने का क्या है, ऐसे एरियाज में भी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, लोगों की जरूरत है और लोग वहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं। मतलब हेल्थ केयर से भी बड़ा मार्केट आज ये पर्सनल केयर का देखा जा रहा है। इस पर्सनल केयर के मार्केट को, ये FMCG के मार्केट को हमने तीन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फूड इंडस्ट्री, दूसरा है हेल्थ केयर जिसके बारे में हमने स्टडी किया, और तीसरा जो कैटेगरी है वो है होम एंड पर्सनल केयर, घर में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। अगर होम एंड पर्सनल केयर की हम बात करें
फिर इसको आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे स्किन केयर। आपको पता है आज स्किन केयर का इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है, 11,000 crores का मार्केट है, बस स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो आपके बाल को अच्छा रखते हैं उसका मार्केट 23,000 crores का मार्केट है। ओरल केयर, ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्माइल अच्छी रखते हैं, आपकी दांतों को अच्छा रखते हैं, आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा रखते हैं, उसका मार्केट आज 14,000 crore का है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप एक एक प्रोडक्ट जो है हमारा वो करोड़ों का टर्नओवर रखने का कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, इसमें कॉस्मेटिक्स रिलेटेड चीजें आती है, जो हम परफ्यूम्स यूज करते हैं, ये सब आपकी पर्सनल केयर रेंज में प्रोडक्ट्स आते हैं। इसको अगर थोड़ा सा और डिवाइड करें, मतलब स्किन केयर में कौन कौन सी चीजें आती है, स्किन केयर में ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्किन की फेयरनेस को, मतलब आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करें, आपको धूप से बचाएं, एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके फेस वॉशेस इंक्लूड है, और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे आई केयर से रिलेटेड है, मतलब आंखों की आगे की जो आपके आसपास की जो स्किन है उसको अच्छा रखते हैं। हेयर केयर में बात करें तो शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ऑयल्स हो गया, सीरम हो गया, ये सारी चीजें आती है। ओरल केयर में टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये सारी चीजें आती है। इसीलिए हमारी कंपनी जो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, वो इस FMCG मार्केट में अपने 3 बहुत ही जबरदस्त ब्रांड के साथ उतरी है। पहला ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, दूसरा ब्रांड है ऑन एंड ऑन, एंड तीसरा है हमारा न्यू स्टार। लेकिन अभी जो हम ये सीक्वेंस देखेंगे उसमें हम एलिमेंट्स वेलनेस के जो पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स है उसके बारे में हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो पहला जो हमारा रेंज है, देखिए हमने सारे जो पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स है ना उसको वी हैव डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला जो डे आज हमने लिया है उसको हम कह रहे बोल सकते हैं इट्स अ ग्लोइंग स्किन डे, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आते हैं। इसमें हमारे ये 3 प्रोडक्ट्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, 3-in-1 फेस वॉश, रेडियंट ग्लो एंड मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम। दूसरा जो दिन आएगा वो होगा यंगर लुकिंग स्किन, ऐसे प्रोडक्ट जो आपके स्किन को यंग करते हैं, अच्छा करते हैं, तो इसमें हमारा डे क्रीम, नाइट क्रीम एंड अंडर आई जेल। उसके बाद आपकी स्माइल्स को अच्छा रखने के लिए, आपकी मुस्कुराहट को अच्छा रखने के लिए हमारी कंपनी में एलिमेंट्स वेलनेस में 2 तरीके के टूथपेस्ट कंपनी लेकर आई है। आपके हेल्दी और अच्छे बाल को अच्छा रखने के लिए, आपके जो बाल है उसको हेल्दी एंड ब्यूटीफुल रखने के लिए जो हमारा हेयर केयर रेंज है उसमें हमारे ये 3 प्रोडक्ट्स होंगे, कंप्लीट केयर शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड 3-in-1। ये स्किन को अच्छा रखते हैं और अपने बाल को अच्छा रखते हैं, बट आपके बॉडी के स्किन को भी रिज्यूविनेशन की जरूरत है, उसको भी केयर की जरूरत है। तो बॉडी केयर में हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स है, कोको बटर लोशन, आपका स्किन वाइटनिंग लोशन, आपका इंटेंस मॉइस्चराइजिंग लोशन, हमारा एक एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश जेल है, और हमारा एक एमोलिन बॉडी क्रीम है। तो ये 5 हमारे बॉडी केयर में है। और पर्सनल हाइजीन में हम लास्ट 3 जो प्रोडक्ट देखेंगे, एक हमारा प्राइमरी वॉश जो हमारी लेडीज के इंटीमेट वॉश के लिए है, दूसरा मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश है, एंड तीसरा है हमारा एक्टिव फ्रेश शेव जेल जो जेंट्स के शेविंग जेल के लिए यूज किया जाएगा। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज स्किन केयर प्रोडक्ट के, सबसे पहले समझने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि स्किन होता क्या है। देखिए हम बेसिक में जाएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। सबसे पहले स्किन के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। मतलब आपका जो भी बॉडी वेट है, जो भी आपके बॉडी का वजन है, उसका 16-20% आपके स्किन का वजन होता है। तो आप समझ सकते हैं स्किन कितना बड़ा भाग माना जाता है। दूसरी चीज, हमारे बॉडी के कुछ स्किन जो होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जैसे हाथ की जो आपके जो पाम्स हैं, आपके पैर का जो सोल है, वो जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है। लेकिन आपके बॉडी में ऐसे भी पार्ट्स हैं जो बहुत पतले होते हैं, जैसे आंख के पास की जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे स्किन भी होते हैं जिसपे बाल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसपे बाल नहीं होते। हमारे पाम्स जिसपे बाल नहीं होते और बॉडी के और भी पार्ट्स में बाल होते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल चीज है लेकिन आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज आगे ये बहुत सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, स्किन जो होता है, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, स्किन जो होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, बीच में एक लेयर होती है और नीचे की एक लेयर होती है। अब ये डर्मिस आपको कैसे याद रहेगा, आप किसी स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब जो स्किन होता है उसको मेडिकल भाषा में डर्मा कहते हैं। तो मतलब ऊपर की जो लेयर है उसको एपिडर्मिस, बीच की जो लेयर है उसको डर्मिस, और नीचे की एक लेयर होती है जिसको हम एंडोडर्मिस भी कहते हैं। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस मैं आपको सिंपल चीजें बता रही हूं ताकि आगे कोई चीज आएगी तो आपके लिए समझने में आसानी होगी। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको याद रखनी है, ऊपर की जो हमारी स्किन होती है, सबसे ऊपर वाली जो स्किन होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, हमारे बॉडी में हर दिन लाखों करोड़ों ऐसी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जो हर दिन शेड होती है, निकलती है, मतलब 30 से
40 दिनों के अंदर आपकी स्किन अभी कैसी भी है, लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे इस 30 से 40 दिनों के अंदर अपनी स्किन को अच्छा करना है, तो आप वो कर सकते हैं। कैसे? हमारी स्किन हर दिन शेड होती है, निकलती है, लेकिन 30 से 40 दिनों के बाद आपकी जो स्किन होती है ऊपर वाली, वो टोटल रिन्यू हो जाती है। मतलब अगर आप अपनी स्किन का प्रॉपर केयर करते हैं, तो आपकी स्किन, आप 30 से 40 दिनों के बाद आपकी स्किन की जो कंडीशन है उसको बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं। इसी में हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। स्किन के बहुत सारे फंक्शंस देखे जाते हैं। बैरियर फंक्शन, मतलब आप इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी हेल्दी स्किन है, तो बाहर से जो भी चीज हमला कर रही है, आपका स्किन हेल्दी है तो कोई भी चीज अंदर नहीं जा पा रही है। लेकिन वही अगर आपका स्किन डैमेज होगा या कमजोर होगा, तो कोई भी चीज जब हमला करेगी तो वो आसानी से आपके शरीर के अंदर, स्किन के अंदर चली जाएगी और उसके जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्किन हमें इससे भी बचाता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। जब गर्मी होती है तो क्या होता है, पसीना निकलता है, पसीना जब सूखता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। मतलब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी स्किन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी चीज को छूते तुरंत हाथ हटा देते, तो आप ये सोचिए आपने छुआ और कितनी जल्दी वो सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचा और आपने तुरंत झटके में रिफ्लेक्स एक्शन, आपने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। मतलब इसने सेंसरी फंक्शन भी आपका स्किन जो है वो करता है। बहुत सारे कीटाणु हर वक्त हमारी स्किन पे हमला करते हैं, उससे लड़ने का भी काम करता है। विटामिन डी के सिंथेसिस में आपने सुना होगा, जब हम धूप में जाते हैं हमारी जो स्किन है वो विटामिन डी बनाती है। ये होता कैसे है, हमारी स्किन की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उसकी जो बाहर की लेयर है वो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जैसे ही सूरज की किरण, स्पेशली आपका अल्ट्रा वायलेट बी रेस, जैसे हमारी स्किन पे पड़ता है वो विटामिन डी बनाता है, वो हेल्प करता है। तो ये विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। आपको कोई कट लग जाता है तो रिपेयर करने में स्किन मदद करता है, हमारे बाल जो हैं वो प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं, और दूसरी चीज आपको खूबसूरत बनाने में भी बाल मदद करते हैं। तो स्किन के बहुत सारे फंक्शन है। लेकिन बात करें इंडियन स्किन क्या है और इसकी स्पेशल खास हमें क्यों, इसकी स्पेशल हमें इसका अच्छे से केयर करना जरूरी क्यों है। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे क्रीम को इस्तेमाल करते हैं जो वो कहते हैं कि अरे ये इंडिया का नहीं, ये बाहर का ब्रांड है। याद रखिएगा, इंडिया की जो इंडियन जो हमारी स्किन है और जो फॉरेनर्स की या दूसरी कंट्रीज की अगर हम कंपेयर करें, उनकी और हमारी स्किन में बहुत डिफरेंस होता है। हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। तो अगर आप कोई ऐसा ब्रांड यूज कर रहे हैं जो बाहर की किसी कंट्री के लिए बनाया गया है, तो हो सकता है वो आपकी स्किन पे उतना अच्छा काम नहीं करे। अच्छा स्किन क्या होता है, स्किन आपकी साफ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, कोई पिंपल्स वगैरह के दाग नहीं होने चाहिए, तेज होना चाहिए, आपकी स्किन पे ग्लो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आज से नहीं बहुत सालों से आपने एक चीज सुनी होगी कि गोरा जो होते हैं, जो लोग गोरे होते हैं वो सुंदर माने जाते हैं। लेकिन अब भी जाकर ये जो बॉक्स है, लोग इससे बाहर निकल रहे हैं, अब लोग अपना रहे हैं, देखा जा रहा है कि हर स्किन के लोगों को आज अगर बात करें, क्योंकि अगर मैं सिंपल आपको बात करूं, एलिमेंट्स वेलनेस या अपना जो ब्रांड है ये कभी नहीं सपोर्ट करता है कि जो गोरे हैं वही ज्यादा सुंदर हैं। आज इससे दुनिया बाहर निकल रही है, इसीलिए हमारी जो स्किन है वो मेलानिन रिच स्किन मानी जाती है। मतलब आज हमारा जो इंडियन ब्रांड है वो हमारी स्किन के हिसाब से, जो हमारा प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस, वो इंडियन स्किन के हिसाब से उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया है, बिकॉज हर एक स्किन की अलग अलग नीड होती है। और आपको पता है सबसे अच्छी चीज क्या है, जो फॉरेनर्स की स्किन है, जो लोग ज्यादा गोरे होते हैं उनकी जो स्किन है वो टैन कम होती है, जल मतलब वो बहुत जल्दी काली कम होती है, वो जल ज्यादा जरूर जल्दी जाती है। इसका मैं आपको एक रिजल्ट दिखाती हूँ। ये जो आप स्केल देख रहे हैं, ये जो स्केल है फिट्ज़पैट्रिक स्केल इसको हम कहते हैं, ये स्केल बनाया गया है किसके लिए, हमारी बॉडी में मेलानिन कितना है। मेलानिन एक ऐसी चीज होती है जो आपकी स्किन को कलर देती है। अगर आपकी स्किन बहुत गोरी है तो आपके में मेलानिन कम है, और आप जब धूप में जाते हैं तो वो धूप की जो रोशनी है, जो यूवी लाइट है, वो आपकी बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स देती है उसके ऊपर ये स्केल बनाया गया है। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं तो आपकी स्किन जल्दी काली नहीं होगी, लेकिन जल जल्दी जाएगी। हमारी जो इंडियन स्किन है वो 3 से लेकर 6 नंबर के बीच में हमारी इंडियन स्किन आती है। हमारी इंडियन स्किन की खासियत क्या है, जब हम धूप में जाते हैं तो हम टैन हो जाते हैं, हमारी स्किन काली हो जाती है, लेकिन जल्दी बर्न नहीं होती, जलती नहीं है। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन स्किन के हिसाब से ही बनाए गए हैं। अब सबसे पहले जो हम अपने 3 प्रोडक्ट को लेने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है हमारा, वो है हमारा रेडियंट ग्लो आपका फेस वॉश, 3-in-1 फेस वॉश एंड मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम। सबसे पहले जो हम बात करें,
ये जो फेस शोज आप देख रहे हैं, ये फेस शोज का और सोप्स का मार्केट इंडिया में 15,000 करोड़ का है। आज इंडिया में हर दिन लगभग 100 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जो हर दिन फेस शोज यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, फेस शोज जैसा एक प्रोडक्ट है जो करोड़ों का टर्नओवर लेकर आ सकता है। सबसे पहले जो हम अपना 3-in-1 फेस शोज बताती हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है। मैंने मार्केट में महंगे से महंगा और सस्ते से सस्ता फेस वॉश लगाया है, लेकिन मेरी एक सुपर ऑयली स्किन है तो इनको एक्ने का प्रॉब्लम, पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी ऑयली स्किन है। तो 3-in-1 फेस वॉश जो है वो ऑयली स्किन के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ऑयली स्किन, जिनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन होती है उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम क्यों होती है, आप इस फोटो में देखिए, यहाँ पे जो बाल है इसके नीचे यहाँ पे ये जो दो चीज दिख रही है, इसमें ऑयल, हमारी बॉडी ये जो चीज है ये ऑयल सेक्रेट करती है। जब ये ऑयल निकल रहा है और ये आपके जो पोर्स है ये जब बंद हो जाते हैं तो ये आगे चलकर पिंपल में बनने में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जिनकी ऑयली स्किन है वो अपने बॉडी को, अगर अपने फेस को प्रॉपर एक्सफोलिएट करते हैं, मतलब किसी अच्छे स्क्रब से अगर उसको रब करते हैं, तो जो डेड स्किन है वो हटती रहती है। जैसा अभी आपको मैंने बताया, हमारी जो स्किन है वो हर दिन शेड होती है, तो स्किन जो डेड है वो अगर हटती रहेगी तो वो जो पोर्स है वो बंद नहीं होंगे और ऑयल जमेगा नहीं और आगे चल के पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्या करता है, सबसे पहले जो एक्सेस ऑयल है, जो तेल निकल रहा है आपके स्किन पे, जो ऑयल है उसको कम करता है। और याद रखिएगा, हमारी जो स्किन है उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जब जमने लगते हैं तो वो पिंपल बनाने में मदद करते हैं, तो वो पिंपल वाले जो बैक्टीरियाज है उसको भी खत्म करने में मदद करता है। लेकिन इसमें ऐसा है क्या, इसमें जो सैलिसिलिक एसिड है ये क्या करता है, आपके जो छेद बंद हो गए उसको खोलने का काम करता है। इसको पीलिंग एजेंट भी कहते हैं, मतलब जब आप इस फेस वॉश से अपना मुंह धोते हैं तो जो आपकी डेड स्किन है उसको हटाने में मदद करता है। डेड स्किन जो है आपकी वो नॉर्मली बॉडी से हटती रहती है, लेकिन जब वो जमने लगती है तो पिंपल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए जब भी अगर आपने ये फेस वॉश को अपनी डेली लाइफ में यूज किया है, इसको कंटिन्यूअसली यूज करिए अगर आपकी ऑयली स्किन है। क्यों, आगे चलकर फिर से पोर्स बंद होने की प्रॉब्लम होगी और फिर से आपको ये पिंपल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है एक्ने के ऊपर जो आज मार्केट में अवेलेबल है। इसमें और क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं आगे अपने हर एक जो स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट है उस पर सब में यूज करने वाली हूँ। हमारी कंपनी ने, जैसा मैंने आपको बताया, हर एक प्रोडक्ट को यूनिक बनाया है। जो भी हमारे स्किन केयर से रिलेटेड या जो भी आप बॉडी केयर से भी रिलेटेड प्रोडक्ट देखेंगे, हर प्रोडक्ट में हमने दो चीजें जरूर डाली है। एक हमारा मिनरल कॉम्प्लेक्स, मिनरल कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा, इसमें 3 मिनरल हमने डाला है। और हमने मल्टी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारी जो स्किन है उसको भी मिनरल्स की जरूरत होती है, उसको भी जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये 3 मिनरल हमारे स्किन के लिए जरूरत होता है जो हमारी स्किन को अच्छा रखने में मदद करता है। और हमारे स्किन को भी वाइटामिन की जरूरत होती है, वाइटामिन B5, वाइटामिन B6 इसकी जरूरत होती है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और आपके चेहरे पे ग्लो लेकर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। हमारे सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हमने मल्टी विटामिन डाला है और मिनरल डाला है, जो मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, टी ट्री ऑयल, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट में देखा होगा। टी ट्री ऑयल क्या होता है, ये आपके पिंपल और जो एक्ने जो होता है उसके स्पॉट्स को खत्म करता है और पिंपल को होने से रोकता है, और जो बैक्टीरिया पिंपल को लाने में मदद कर रहे हैं उस बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो टी ट्री ऑयल जो है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें देखा जाता है। इसमें खास क्या है, जैसे याद रखिएगा, हमारा जो ये प्रोडक्ट है इसमें हमने साइसिलिक एसिड, इसमें टी ट्री ऑयल, मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें सोप होते हैं जो आगे चलकर और आपके स्किन को डैमेज करते हैं जब आप उसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं वो सोप फ्री बनाए गए हैं, इसमें सोप का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। याद क्या रखना है आपको, पिंपल वालों के लिए या पिंपल जो एक्ने स्पॉट्स जिनके ज्यादा है, स्किन पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, वो ये इसको जरूर यूज करें। अच्छे से हाथ में लें और उसको आप अच्छे से अपने फेस पे उसको रगड़े, जब अच्छे से झाग होने लगे, लेदर फोम आने लगे, उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से उसको वॉश कर सकते हैं। ज्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो दिन में 2 या 3 बार आप यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चे, 3 साल के ऊपर के लोगों को आपको यूज करना है, 3 साल के ऊपर के लोगों को यूज करना है, छोटे बच्चों को हमें नहीं देना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। इसका मतलब क्या है,
हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हर एक प्रोडक्ट में बहुत सारे हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट में कुछ हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो हम ऐसे हाई रेप्यूटेड एमएनसी से हम उसको सोर्स करते हैं, और वो जो इंग्रेडिएंट है, वो जो हमने जो चीज उसमें डाली है वो काम करता है। मतलब जो हमने अगर इसमें बोला कि हमने ये चीज डाली है जिसका ये रिजल्ट है, वो जो इंग्रेडिएंट है वो परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट बोले जाते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट बोले जाते हैं, उसका हमने प्रॉपर सर्टिफिकेशन लिया है और वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसकी हर एक बैच का उसका एनालिसिस किया जाता है, ताकि ये जो प्रोडक्ट हमने लिया इसमें ये परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट जो हमने डाले वो एक्टिवली उसमें काम करता है। तो ये हर एक जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको सर्टिफाई किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे जो भी प्रोडक्ट्स में जो भी चीजें डाली गई हैं वो एक्टिवली काम करती हैं और उसका रिजल्ट देखा जाता है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस ऑफ सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें, तो ये हमारा एलिमेंट्स वेलनेस फेस वॉश है। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा रेडियंट ग्लो फेस वॉश। देखिए माइंड फ्रेंड, एक सिंपल सी चीज है, हमारी स्किन जो होती है, खासकर जो फेस की स्किन होती है ना, उसका स्पेशल ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? हमारी जो फेस की स्किन होती है वो ज्यादा एक्सपोज होती है। आप कपड़े पहनते हैं तो आपकी बॉडी की स्किन तो ढक जाती है, लेकिन फेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोज रहता है। आपकी जो फेस की जो स्किन है उसकी अगर हम बात करें तो वो हार्मोनल चेंजेस से ज्यादा सेंसिटिव होती है। आपने देखा बहुत सारी लेडीज में जब वो मंथ के कुछ दिन आते हैं तो पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है, इसीलिए आपकी जो फेस की स्किन है वो आपके हार्मोनल चेंजेस में बहुत ज्यादा उसको वो उस पर इफेक्ट करती है। दूसरी चीज, हम फेस के मसल्स का ज्यादा यूज करते हैं। हम अगर बात करें, हम बात करते हैं, हंसते हैं, तो हमारे फेस के मसल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव काम करते हैं, इसीलिए हमें रिंकल्स, झुर्रियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो अगर हम फेस के मसल्स का, फेस के स्किन का ख्याल रखेंगे तो ही आपका जो फेस का स्किन है वो अच्छा होगा। इसके लिए हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेडियंट ग्लो फेस वॉश। ये रेडियंट ग्लो फेस वॉश जो है ये मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट बनाया गया। क्यों? अगेन, ये एक सोफ्री है, इसमें एक नेचुरल माइल्ड क्लींजिंग एजेंट डाला गया है जिसको हम अल्काइल पॉलीग्लाइकोलाइड्स कहते हैं। ये है क्या, आप याद रखिएगा, हमारे बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट का एक पीएच होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक पीएच मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा जो स्किन है ना, उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। मतलब क्या है कहने का, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट का एक पीएच है, अगर वो पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है। तो हमारे जो बॉडी के स्किन पे बहुत सारी बैक्टीरिया, वायरसेस हमला करते हैं, तो बॉडी का जो पीएच है वो अगर मेंटेन होगा तो ये सारी प्रॉब्लम से दूर रहोगे। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो क्या करता है, आपके स्किन के पीएच को, आपके चेहरे के जो त्वचा है, स्किन है, उसके पीएच को बैलेंस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने इसमें एपीजी डाला है, अल्काइन पॉलीग्लाइकोलाइड्स डाला है, ये शुगर से निकाला जाता है और एक न्यू जनरेशन का प्रोडक्ट है। एक ऐसा एक प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जो आपके स्किन से जो भी डस्ट है, जो भी ऐसी चीजें हैं, उसको बहुत ही माइल्ड तरीके से आपके स्किन से हटाता है। मार्केट में आपको शायद ही बहुत ही कम किसी प्रोडक्ट में ये आपको कंपाउंड दिखेगा। ये आपके जो स्किन है उसको ड्राई होने से बचाता है, एक अच्छा खासा फोम आपको ये देता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो अच्छा खासा फोम, लेदर, झाग निकलता है। और ये कार्सिनोजेनिक, मार्केट के ऐसे बहुत सारे फेस वॉशेस होते हैं जिसमें ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं जो आपके स्किन को डैमेज करते हैं और आगे चल के कैंसर होने के चांसेस की भी चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो हमने ये चीज डाली है ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और बहुत हल्के तरीके से, माइल्ड तरीके से चेहरे के डस्ट और उसको हटाने में मदद करता है। दूसरी चीज, आप जब फेस वॉश करते हैं और अगर आप दिन में दो बार तीन बार फेस वॉश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। तो इसमें हमने ग्लिसरिन डाला है जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता, उसका मॉइस्चर बरकरार रखता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा इसमें कुछ ब्लू ब्लू कलर के कुछ दाने हैं, वो क्या करते हैं, जो भी स्क्रब करने का काम करते हैं, मतलब जो भी डेड स्किन है उसको बाहर हटाने में मदद करते हैं। अब याद रखिएगा, जब आपकी डेड स्किन हट जाती है तो आपके चेहरे पे एक नेचुरल शाइन आना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे भी अगेन फिर मैं वही चीज रिपीट करूंगी, ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स। हमारे हर एक प्रोडक्ट में, स्किन केयर में ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है। क्यों? हमारी स्किन के अच्छे ग्रोथ के लिए हमें अपने जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो अगर वो हमें खाने से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट है, जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन में ये मिनरल जो कमी अगर है तो उसको अच्छा करता है, आपके चेहरे पे एक ग्लो लाता है और आपके जो सेल्स हैं उसको रीजेनरेट करने में भी मदद करता है। अगर आपकी स्किन में ये तीन मिनरल्स की कमी होगी तो सेल्स अच्छे से रीजेनरेट नहीं हो पाएंगे। तो रीजेनरेट जब होते हैं, जब नई स्किन आती है, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है ग्लो है जो वो आने लगता है, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम रेडियंट ग्लो रखा गया है। दूसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझिएगा,
आप जैसा देख रहे हैं ये हमारी स्किन है, यहाँ पे बीच में एक चीज है जिसको हम NMF कहते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये आप स्किन के बीच में देख रहे हैं ये ब्लू ब्लू कलर के कुछ सर्कल्स हैं, ये क्या करता है आपकी स्किन में नमी को बरकरार रखता है, मतलब मॉइस्चर को मेंटेन रखने में मदद करता है। और ये अगर किसी के कम होने लगते हैं तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। तो सोडियम लैक्टेट जो है वो क्या करता है आपकी स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करने में, उसको रखने में हेल्प करता है। तो जिनकी नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है वो अपना ये रेडिएंट ग्लो फेस वॉश लगाए, जिनकी ऑयली स्किन है वो अपना 3-in-1 फेस वॉश लगा सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट के प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। मैंने पहला आपको पॉइंट बताया, मार्केट में जो क्लींजर होता है वो बहुत हार्ड होता है, आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। हमारे प्रोडक्ट में हमने माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल किया है। मार्केट के आपको बहुत किसी भी फेस वॉश में, मार्केट के किसी भी फेस वॉश में आपको ये क्लींजर के साथ, ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स के साथ, मल्टी वाइटामिन कॉम्प्लेक्स के साथ आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। ये क्या करता है कॉम्बिनेशन, आपकी स्किन को तो अच्छा करता ही है, आपकी स्किन को रीजेनरेट भी करता है, आपकी स्किन पे ग्लो लाता है, और जो ऑयल ज्यादा निकल रहा है उसको कंट्रोल करता है। मतलब ये फेस वॉश आप लगा रहे हैं बस अपने फेस को क्लीन करने के लिए, लेकिन ये आपको उसके साथ मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। इसमें क्या चीजें आपको याद करनी है, सबसे पहले ये सारे स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ऑयली स्किन वाले हैं तो अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तब आप 3-in-1 फेस वॉश पे जाइए। आप जब भी इसको लीजिए हाथ में अच्छे से लेकर एटलीस्ट 1 से 2 मिनट अपने फेस को अच्छे से रब करिए, ताकि जो भी डस्ट है और जो भी इसमें हमने मिनरल्स डाले हैं वो सारा अपना काम करे। तो इस तरीके से आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है, जिसका नाम है रेडिएंट ग्लो फेस वॉश, जो आपके स्किन पे ग्लो लाता है क्योंकि डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। अब हमारा फेस क्लीन हो गया तो अब हमें क्या करना है, हमें अपने फेस पे एक अच्छा सा क्रीम लगाना है। अब अगर क्रीम के मार्केट की बात करें, आपको पता है इंडिया में फेयरनेस प्रोडक्ट जो है उसका मार्केट ही 3,000 करोड़ का है, बहुत बड़ा मार्केट ये फेयरनेस क्रीम का है। लेकिन ये जो हमारा फेयरनेस क्रीम है ये कोई नॉर्मल फेयरनेस क्रीम नहीं है, ये मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम है, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए। अब इनके बारे में अगर हम बात करें इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले हमने विटामिन B3 डाला है। ये क्या करता है आपके स्किन में, जैसा मैंने आपको बताया अगर कोई हमारी स्किन का कलर जो है वो मेलानिन की वजह से होता है, अगर स्किन में ज्यादा मेलानिन है आपके स्किन का कलर ज्यादा डार्क होगा, अगर आपके स्किन में मेलानिन कम है तो आपके स्किन का कलर लाइट होगा। तो ये क्या करता है आपके इस मेलानिन के जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर देता है, तो आपकी जो स्किन होती है वो हल्की, उसका शेड जो होता है वो इंप्रूव हो जाता है। दूसरी चीज, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं ये आपके बाल हैं, बाल के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पीले पीले ग्लैंड्स हैं, इससे ऑयल निकलता है। जब ये एक्सेस ऑयल निकलता है तो आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें जो हमने ये इंग्रेडिएंट डाला है वो क्या करता है आपके जो ऑयल निकल रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये आपकी स्किन को ऑयली भी नहीं करता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा, हमने इसमें डुअल सनस्क्रीन का यूज किया है। डुअल सनस्क्रीन का मतलब क्या है, हमने इसमें एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक सनस्क्रीन का यूज किया है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं जब आप धूप में जाते हैं तो 2 तरीके की रेज, सन रेज हमारी स्किन पे पड़ती है, एक होता है अल्ट्रा वायलेट ए और एक होता है अल्ट्रा वायलेट बी। अल्ट्रा वायलेट जो बी होता है वो आपकी ऊपर की लेयर को ही छेद कर पाता है, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट ए है वो अंदर की लेयर तक जाता है। तो जब ये अंदर की लेयर तक जाता है तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आती है, रिंकल्स आते हैं, लेकिन जो अल्ट्रा वायलेट बी वाली रेज है वो आपकी स्किन को टैन करता है, काला करता है। तो हमने इसमें जो डुअल सनस्क्रीन डाला है जो हमारा ऑर्गेनिक है वो क्या करता है, वो ऑयल सॉल्युबल होता है, मतलब वो घुल के आपके स्किन के अंदर जाता है और आपको अंदर से प्रोटेक्ट करता है, और जो इनऑर्गेनिक है वो आपके स्किन के ऊपर एक फॉर्म लेयर बना देता है, एक परत चढ़ा देता है, जिससे बाहर से जो सूरज की किरण आ रही है उससे लड़ने में मदद करता है। इसलिए हमारे ये प्रोडक्ट में डुअल सनस्क्रीन डाला गया है जो आपको UVA से भी बचा रहा है और UVB से भी बचाने में मदद कर रहा है। तीसरी चीज जो मैंने अभी आपको बताई, हमारे इस प्रोडक्ट में मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला गया है। मिनरल कॉम्प्लेक्स मतलब 3 मिनरल, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारे स्किन को ग्रो करने के लिए, उसको अच्छा ग्रोथ होने के लिए उसको ये 3 मिनरल की जरूरत है। जिंक जो क्या करता है,
आपको अगर कोई कट लग जाता है, चोट लग जाता है, तो स्किन जो रिपेयर हो रही होती है उसमें जिंक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिंक जो है हीलिंग मिनरल बोला जाता है आपके स्किन हेल्थ के लिए। अगर आपकी स्किन थोड़ी डैमेज है तो वो जिंक क्या करेगा, स्किन को रिपेयर कर देगा। दूसरी चीज, आपके जो आपके स्किन में दो चीजों की जरूरत होती है, एक होता है कोलाजिन और एक होता है इलास्टिन। मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। कोलाजन क्या होता है, कोलाजन हमारी स्किन को फॉर्म करता है और इलास्टिन हमारी स्किन में इलास्टिसिटी लाता है। सिंपल एग्जांपल से समझिए, एक छोटे बच्चे की स्किन जब आप उठाकर छोड़ते हैं तो आप देखते हैं वो तुरंत सेटल हो जाता है, लेकिन एक 70-80 साल के कोई बुजुर्ग पर्सन है उनका जब आप स्किन ऐसा उठाते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने। मतलब जो हमारी एज बढ़ने लगती है, हमारी जो स्किन है उसमें कोलाजन और इलास्टिन जो है वो कम होने लगता है, तो आपकी स्किन का जो लचीलापन है वो कम होने लगता है। तो कॉपर क्या करता है, आपकी स्किन को फॉर्म करता है, मजबूत करता है। आपकी जो इलास्टिन है, आपने स्किन ऐसे उठाया उसमें इलास्टिसिटी लचीलापन लाने में मदद करता है, तो कॉपर उसमें हेल्प करता है। मैग्नीशियम में बोला जाता है कि अगर आपके स्किन के सेल्स में मैग्नीशियम की कमी होती है तो आप जल्दी एज होने लगते हैं। मतलब आपकी एज है 25 साल लेकिन आप दिखेंगे थोड़े ज्यादा ओल्डर दिखेंगे, आप एजेड दिखेंगे। क्यों? आपकी एजिंग प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये तीन मिनरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस प्रोडक्ट में डाला गया है। अगेन हमने इसमें मल्टी विटामिन कॉम्प्लेक्स डाला है जो आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता है और आपकी स्किन बैरियर प्रॉपर्टीज। ये स्किन बैरियर को ना ध्यान से समझिएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट में ही आने वाला है। ये आपकी नॉर्मल स्किन है, ये आपका स्किन का लेयर है। अगर ये लेयर अच्छी रहेगी तो कोई भी चीज जल्दी अंदर नहीं घुस पाएगी, आपका स्किन बचा रहेगा। आपकी स्किन जब डैमेज हो जाएगी तो कोई भी चीज बड़े आसानी से घुस जाएगा, मतलब उसका जो बैरियर है वो खराब हो गया है। तो आपका ये प्रोडक्ट मल्टी विटामिन क्या करता है, इस बैरियर को मजबूत करता है, मतलब सिक्योरिटी को टाइट कर देता है और आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है, उसमें एक नई ऊर्जा लेकर आता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा रखने में मदद करता है। और इसमें हमने हर्बल कॉम्प्लेक्स भी डाला है, मतलब ये आपके स्किन के टेक्सचर को अच्छा करता है, आपकी स्किन की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करता है और आपके स्किन को कुछ शेड बढ़ा देता है। इसमें क्या क्या चीजें डाली गई, इसमें कैमोमाइल डाला गया है। अगर कोई एक्ने की भी प्रॉब्लम है, जिनकी पिंपल वाली स्किन है या एक्ने का प्रॉब्लम है, वो भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि कैमोमाइल बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। अगर कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ सूजन वगैरह है तो उसको भी कम करेगा। ब्लैकबेरी जो है वो विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है और आपके स्किन के सेल्स को रिन्यू करने में मदद करता है। ऑरेंज के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा सुना है, ऑरेंज में विटामिन सी होता है जो आपके स्किन को एक ग्लो लेकर आता है, चमक लेकर आता है। तो ये तीन जो हमने ये प्रोडक्ट डाले हैं, तीन नेचुरल चीजें हमने डाली हैं जो एक हर्बल कॉम्प्लेक्स भी आपको ये देता है। इसमें हमने एक और चीज डाली है, सोडियम पीसीए। ये क्या करता है, ये आपके जो मैंने अभी बताया था आपको नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है, जो आपकी ऐसी चीजें जो आपकी स्किन में होती है जो मॉइस्चर को पकड़ कर रखती है, रिटेन करके रखती है, उसको अच्छा रखने में मदद करता है। तो आपकी जो स्किन होगी वो मॉइस्चराइज होगी। जो आपकी स्किन ड्राई होती है तो गंदी लगती है, देखने में अच्छी नहीं लगती, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। मार्केट से एडवांटेज क्या है, ये नॉन स्टिकी, आपको चिपचिपाहट नहीं होगी। आप इसको जब लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आप ये स्प्रेड होता है और आपको एक अच्छा कवरेज देता है। आप इसको जब भी लगाएंगे आप देखेंगे इंस्टेंट आपके चेहरे पे एक पॉलिश जैसा कर देता है, इंस्टेंट आपके चेहरे पे एक शाइन आ जाता है। इसमें यूनिक क्या है जो मार्केट में नहीं है, सबसे पहले है जो दो पॉइंट मैंने आपको याद रखने को बोला था, मिनरल कॉम्प्लेक्स। ये तीन चीजें, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीशियम, ये हमने डाला है। मिनरल कॉम्प्लेक्स, मल्टी विटामिन, जो भी विटामिन हमारे स्किन के लिए जरूरी है वो आपको अलग अलग विटामिन देता है। इसमें क्या एडिशनल है, हमने इसमें हर्बल कॉम्प्लेक्स भी डाला है। तीन हमने हर्बल चीजें भी हमने इसमें डाली है जो आपके स्किन को तो अच्छा करता है, ये उसको रिजुविनेट करता है, स्किन को लाइट करने में भी मदद करता है। मतलब आप देख रहे हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया मल्टी एक्शन, मल्टीपल तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है, हर एक तरीके के लोगों के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूजेस पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। अभी हमने हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट देखे ना, उसमें हमारा डोजेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट को अच्छे डोज में बॉडी में डाल दिया, अब वो बॉडी का काम है, बॉडी देखेगा उस पर क्या करना है। लेकिन जो पर्सनल केयर के रेंज के प्रोडक्ट है ना, इसमें डोजेस, बात करें डोजेस की तो कोई बात ही नहीं है, इसमें यूजेस पे ज्यादा ध्यान हमें देना है। आप अगर ज्यादा क्रीम लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ज्यादा ले लिया, कम लेंगे तो अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, फैलेगा नहीं। लेकिन अगर हम यूजेस की बात करें, माय फ्रेंड, इसको किस तरीके से यूज करना ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट शायद उतने अच्छे से नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई क्रीम आप लगाएं,
अपने फेस के साथ अपने नेक पे जरूर लगाएं, गले पे जरूर लगाएं। क्यों? हमारा जो गला के जो स्किन होता है, हमारी नेक की जो स्किन होती है उसमें ग्लैंड्स कम होते हैं, उसमें अगर बात करें वो स्किन जल्दी ड्राई होती है, इसीलिए आपको अपने गले के स्किन, नेक के स्किन का भी ख्याल रखना है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको आपको लगाना कैसे, एक छोटा सा वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। पहले हाथ में क्रीम ले, उसको थोड़ा बॉडी टेम्परेचर पे करें, उस क्रीम को आप अपने बॉडी के हर एक पार्ट, जो अपना नेक है, चिन है, फोरहेड, सब पे लगाना है। और एक चीज हमेशा याद रखना है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है, ऊपर जाना है, आपको कभी भी नीचे क्रीम अप्लाई नहीं करना है, आपकी स्किन को लूज करता है, सैप करता है। इसलिए जब भी लगाइए ऊपर के डायरेक्शन में आपको अपनी स्किन को हमेशा यूज करना है, और नेक पे भी जरूर करिए। और लास्ट में अपने हाथ को थोड़ा सा पाम को ऐसे आप सेट कर सकते हैं जिससे आपको जो क्रीम है वो सेट हो जाएगी, और फिंगर से जब आप करते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो याद रखिएगा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, ताकि जो स्किन है वो आपकी लूज ना हो, आपकी जो लूज वो जो स्किन होती है वो सैग होने लगती है। अब यहाँ पे की चीज याद रखिएगा, एलिमेंट्स वेलनेस गोरी स्किन को प्रमोट नहीं करता, क्योंकि एलिमेंट वेलनेस का मानना है कि ब्यूटी हैज नो स्किन टोन। हर लोग अपने स्किन में खुश है, अपने स्किन में ब्यूटीफुल है, तो आपका जो ये क्रीम है आपके शेड को इंप्रूव करता है, आपके टेक्सचर को इंप्रूव करता है, और आप में एक अच्छी स्किन की जो क्वालिटी है उसको अच्छा करने में मदद करता है। आपकी स्किन को अगर अच्छा रखना है, एलिमेंट्स वेलनेस के आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करिए, साथ में आपको एलिमेंट्स वेलनेस के ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स वेलनेस के जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसको भी यूज करना है। अंदर से अच्छे रहेंगे तो आपके फेस पे भी अच्छा आपको वो सारी चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छी नींद लेनी है, पानी अच्छे से पीना है, स्किन को अच्छा रखने के लिए पानी एक बहुत जरूरी चीज है, और आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ भी लेनी है। तो ये हमारा मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम है।